अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं फातिमा ताहिर आज फिर आपके पास हाजिर हूँ होपफुल लाइफ की एक और बहुत ही अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू के साथ। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम सियावश, जो कि हिप्नोथेरेपिस्ट, हैप्पीनेस कोच होने के साथ साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर ट्रेनर भी हैं। वेलकम डॉक्टर इब्राहिम। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। आई होप कि आज के सेशन में मुझे मौका मिलेगा एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू ऐड वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स। और इसीलिए तो हम यहाँ हैं, लोगों की जिंदगियों पे इम्पैक्ट डालने के लिए, उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, मैं समझती हूँ कि आज का जो हमारा ये सेशन है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाएगा उन लोगों में, क्योंकि आपके नाम के साथ जो चीज़ें अटैच हैं, जैसा कि हिप्नोथेरेपिस्ट, जैसा कि हैप्पीनेस कोच, जैसा कि कॉर्पोरेट ट्रेनर, तो बहुत से लोग इन चीज़ों से अनअवेयर हैं कि ये एक्चुअली ये वर्क किस तरह से करती हैं। क्योंकि आप सिर्फ इस एक एलिमेंट के ऊपर भी काम करें तो ये किसी इंसान के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आज के सुनने वाले आपसे इसके बारे में बहुत कुछ सीख सके। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, मैं सबसे पहले ये चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताएं। आप कहाँ पर पैदा हुए, आपने अपनी जिंदगी में क्या क्या, कैसे कैसे अचीव किया, आपका क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड क्या है? मेरा लाइफ तो एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन से गुजरी है एंड आई एम गोना मेक इट वेरी शॉर्ट। वैसे तो मुझे शॉर्ट बोलने की आदत नहीं है, क्योंकि मेरी जो ट्रेनिंग्स होते हैं वो 10 आवर्स पर डे होते हैं। बट आई ट्राई टू मेक इट वेरी इन बुलेट पॉइंट्स, ताकि जल्दी से आपके ऑडियंस को वैल्यू मिले। उसके साथ साथ मैंने अपने लाइफ में जो चीज़ें सीखी हैं, फ्रॉम माई एजुकेशन टू माई एक्सपीरियंस इंटरनेशनली नेशनली एंड कमिंग फ्रॉम पॉवर्टी अप, तो उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। सो आई वॉज बोर्न एंड रेज इन ईरान, तेहरान, अंटिल द एज ऑफ 13। तो अराउंड द ईयर 99 और समथिंग में, 2000 और समथिंग में पाकिस्तान शिफ्ट हुआ, जब मेरे पेरेंट्स मदर एंड फादर दे गए डिवोर्स। तो उनकी बहुत मैसी सा डिवोर्स था, बहुत ट्रामेटिक एक डिवोर्स था। सो वी केम टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हम क्वेटा बलूचिस्तान में रहे ना। क्वेटा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं लाहौर के अंदर जो क्वेटा को नहीं जानते, वो बलूचिस्तान की जो कैपिटल सिटी है वो क्वेटा है। इनफैक्ट मुझे याद है, जब मैं नया नया लाहौर आया था, तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में, एक मेरी बहुत अच्छी एक कॉलीग है, अब मैंने जब उसे कहा मैं क्वेटा से आया हूँ, तो शेर के शी सेड क्या, अच्छा क्वेटा भी होता है? मैं तो समझता था या तो पंजाब है या तो बलूचिस्तान है, और तो पाकिस्तान में और कोई चीज है नहीं। मैंने कहा वही होता है, होता है। सो आफ्टर द डिवोर्स ऑफ माय पेरेंट्स हम क्वेटा आए, एंड क्वेटा में हम रहना स्टार्ट किया था, एंड वी फेल बिलो द पॉवर्टी लाइन। हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी बुरी थी कि अब हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई एक आम सी बात पूछता था रात को कि आज हम खाना नहीं खाएंगे। सो उस वक्त तो बड़ा ट्रामेटिक एक एक्सपीरियंस था, बट अब जो है हम यू नो वी मेक फन ऑफ इट। और ऐसे ही होता है लाइफ में, जब आप पेन एंड ट्रामा से गुजर रहे होते हैं, उस वक्त आपको लगता है कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, आपकी फाइनेंशियल क्रैश आ गया, आपका जैसे आजकल कोरोना की जो फियर है वो चल रहा है, अगर आप ट्रामेटाइज हुए किसी भी रीजन से, आपको ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड, बस दुनिया खत्म है। दैट्स व्हाट वी कॉल कैटास्ट्रोफाइजेशन साइकोथेरेपी की, सीबीटी के टर्म्स में। हमें ऐसा लगता है कि हमारी पेन दुनिया की सबसे बड़ी पेन है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं किसी की पेन और ट्रामा को डिस्क्रेडिट करना चाहता हूँ, बट रेस्ट अश्योर्ड कि हर बंदे की जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसमें दर्द पेन जरूर है। स्पेशली जो शख्स कहीं पहुंचता है अपने लाइफ में, जो अपने लाइफ में सम लेवल ऑफ सक्सेस अचीव करता है, चाहे वो फाइनेंशियली, इमोशनली, करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज, किसी किस्म की प्रोग्रेस को अचीव करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको ना पेन से गुजरना पड़ता है। आसान जिंदगी में हल्के लोग बनते हैं, ढीले लोग बनते हैं। अगर आपने स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना है, अल्टीमेटली सक्सेस एंड हैप्पीनेस उन लोगों को होता, उन लोगों को मिलता है जो स्ट्रॉन्ग है मेंटली, इमोशनली, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और स्ट्रेंथ आपको तब मिलती है जब आप पेन से गुजरते। इट्स लाइक गोइंग टू द जिम, आपकी जो साइकी है तब ही स्ट्रॉन्ग होगा जब आप उसको पेन से गुजारें। यू नो इट्स लाइक गोइंग टू द जिम, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जिम जाए और आहिस्ता वॉक करें, यू नो
उसके ऊपर से एंड देन यू से कि ओ मेरे मसल्स बन गए. नाउ यू हैव टू पिक अप वेट्स, यू हैव टू पुट सम पेन इनटू मसल्स, यू नो यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड पेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार मैं बस एक साल की बहुत मेहनत करूंगा उसके बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा. दैट डजंट वर्क लाइक दिस. सक्सेस, हैप्पीनेस, व्हाटएवर यू वांट फ्रॉम योर लाइफ कम्स फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल विद बीइंग इन पेन. तो अगर आपने ना दर्द को अपना दोस्त बनाना होगा, गोइंग बैक टू द टाइमलाइन जो मैं आपको बता रहा था, तो 2000 में वी शिफ्टेड टू क्वेटा. क्वेटा के जो एनवायरनमेंट था ऑफकोर्स वो एक सुडो मचोइज्म की एक एनवायरनमेंट है. मुझे याद है जब मैं मास्टर्स में पढ़ रहा होता था, बाय द वे बैचलर साइड मैंने सिर्फ नकल किया क्योंकि वहाँ कल्चर है अगर आप नकल नहीं करेंगे तो लोग आप पे हंसेंगे, क्योंकि मैंने कंफर्म करना था अपने पीयर प्रेशर में लोगों के साथ मैंने दोस्तियां करनी थी, तो मैंने भी वही किया जो सब करते रहे. मुझे याद है जब मैं मैट्रिक में फर्स्ट, उस वक्त 9th and 10th अलग अलग होते थे, तो जब मैं 9th का फर्स्ट पेपर इंग्लिश तैयार करके गया था, सारी रात पढ़ के क्वेश्चन को याद करके अपने ऊपर प्रेशर डाल के जब मैं गया हॉल में बैठा, इट्स लाइक 100 लोग बैठे हुए थे और मैं जब क्वेश्चन के बारे में सोच रहा था, क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा था, मैंने एग्जाम से देखा भाई यहाँ से खुलासे निकले और वहां से ना निकले और वहां से वो निकले एंड देन इन्विजिलेटर वो कुछ नहीं कह रहा. मैंने सोचा ड्यूरिंग द होल पेपर, मैंने सोचा, मैंने कहा वेट अ सेकंड, मैं अगर अपने माइंड से रिवाइज करूंगा तो मैं तो गलत लिखूंगा ना, क्योंकि ब्रेन है, ह्यूमन एरर है, ये तो एग्जैक्टली वही आंसर लिख रहे हैं जो किताब में लिखा हुआ है, तो व्हाई शुड आई गो थ्रू ऑल दैट प्रेशर याद करूं और प्लान. तो मैंने भी अडेप्ट किया सेम लाइफ स्टाइल जिसको बाद में मैंने रिग्रेट किया. सेम यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि एनवायरनमेंट का कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है आपके पर्सनालिटी के ऊपर. मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो आके कहते हैं कि हाँ मेरे दोस्त सारे सिगरेट पीते लेकिन मैं सिगरेट नहीं पीता. फिर मैं उनसे कहता हूँ अच्छा एक साल बाद दो साल बाद फिर मुझसे बात करें. आपके एनवायरनमेंट में जैसे लोग होते हैं आप एग्जैक्टली वैसे हो जाते हैं. ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन इमोशंस कॉन्टेजियस है, एक दूसरे को लगते हैं. कंप्लेनर्स के बारे में आपको बताऊं, पाकिस्तान में जो बहुत एक हमारी जो टाइम पास है ना वो कंप्लेन करना है. इन पर्सन जब हम किसी से मिलते हैं हमारे हिसाब से फेवरेट टाइम पास है, वो यार आजकल के हालात भी ऐसा है और उधर जॉब भी नहीं है और उधर उधर सरकार भी ऐसा है और फलान, कंप्लेन करने की आदत होती है. आप कितनी देर तक पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं इस कंप्लेनिंग एनवायरनमेंट में? सो 2011 में मैंने ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में, लेकिन क्योंकि वो साइकोलॉजिस्ट नहीं थे क्वेटा के अंदर, तो मैं जल्दी से मुझे उठाया गया जॉब्स के लिए. मैं SOS चिल्ड्रन विलेज के साथ मैंने एक साल लगाया, उसके बाद एक साल में विमेन बेनजीर विमेन शेल्टर में एक साल लगाया एंड देन फिर साथ साथ में इंग्लिश लैंग्वेज में मैं पढ़ाता भी रहा LGS में. बट देन आई रियलाइज के 2013 तक मैं रियलाइज किया कि दिस इज नॉट इनफ. मुझे ना क्वेटा का लाइफ स्टाइल नहीं पसंद है, मुझे ऐसा इन्वायरमेंट अपने लिए चाहिए जो यू नो हाईली इंटेलेक्चुअल किस्म की इन्वायरमेंट हो. वो लोग मेरे आस पास मुझे चाहिए जो जिनके ख्वाब बड़े हो, जो आपको इंस्पायर करते हो. क्योंकि क्वेटा के अंदर अगर आप रहे हैं तो आप दो तीन काम कर सकते हैं कामयाब होने, या तो आपने डॉक्टर बनना है, मेडिकल डॉक्टर बनना है. मेडिकल डॉक्टर यानी कि आपने या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं जो आप मेडिकल सीट खरीद सकते हैं, उस वक्त आई थिंक 10-12 लाख रुपये था, या तो आप बहुत ज़्यादा लायक हैं उसमें भी सिलेक्शन की चांसेस कम होती हैं, या तो आप डॉक्टर के फैमिलीज हैं मीन्स कि आपके पास सिफारिश है, कोई कॉन्टैक्ट है. मेरे पास उनमें से कोई नहीं था क्योंकि मैं ट्रैवल करके आया था. या तो आपने डॉक्टर बनना है या तो आपने फिर सरकारी काम करना है, और हम सब जानते हैं आप तो कुछ बेहतर हो गया, हम सब जानते हैं कि सरकारी काम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. आई रिमेम्बर मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि यार मैं जो है सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो रहा हूँ, मैंने ना सिर्फ 6 लाख रुपये दिए. मैंने कहा यार 6 लाख रुपये, अब उस वक्त के लिए मेरे नज़र में 6 लाख रुपये बहुत पैसे था. 6 लाख रुपये क्या फायदा? कहते यार 6 लाख रुपए एक साल में पूरे हो जाएंगे. मैंने कहा ओके ओके. सो इस तरह की माइंडसेट से मैं निकलना चाह रहा था. मैं चाह रहा था मैं आप एक ऐसी लाइफ डिजाइन करूं, बनाऊं अपनी लाइफ जिसमें मैं ऑनेस्टी के साथ अपने स्किल के बेस पे अपने
देखिए आप कितनी देर तक आप एक और आपके अंदर जो ऑथेंटिक सेल्फ है उसकी अगेंस्ट आपका कितनी देर तक जा सकते हैं। मेन जो एंजाइटी की जो कॉज है वो ये है कि आप अपने आप को इतनी राइट्स नहीं देते हैं कि आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन होके आप अपने लाइफ गुजारें। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह नाउ अब मैं जिस स्टेज पे पहुंच गया हूँ आई कैन ईजिली से टू पीपल, अच्छा भाई आपके साथ मेरी रिलेशनशिप नहीं बन सकती, अल्लाह या ऑप्शंस ज्यादा है, राइट? आई क्रिएटेड अ लाइफ जहां पे मेरे पास ऑप्शंस ज्यादा। आप क्वेटा में आपने अगर लेट्स से साइकोलॉजी की बुक्स खरीद रहे हैं, दो बुक स्टोर हैं, आप उनकी मर्जी है आपको किस तरह की बुक सेल करें, आपने उनके नखरे उठाने हैं, उनके तरले करने हैं कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे सिखा दो, राइट? इट्स नॉट सो। जब मैंने 2013 में डिसाइड किया कि दिस इज नॉट द लाइफ दैट आई वांट, मुझे एक छोटी छोटी जिंदगी से ज्यादा चाहिए, मुझे एक ऑनेस्ट मेहनत करके अपने रिजल्ट चाहिए। आप मुझे लोग क्वेटा से कॉल करते हैं, उनका मेन मसला यही है, मेरे जो पुराने दोस्त है वो यही कहते हैं कि यार हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं दिया जाता, चाहे आप जितना स्किलफुल हो जितना ऑनेस्ट हो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया जाता, विच इज ट्रू। ये उस तरह की एक कल्चर ही बना हुआ है। मैंने कहा था ओके सो 2013-14 में डिसाइड किया कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ दिस प्लेस। तो इन द नेक्स्ट टू इयर्स मैंने अपनी कॉन्टैक्ट्स एस्टैब्लिश किया, यू नो प्लानिंग्स किए, एंड आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज पीपल टू प्लान। सबसे पहले कामयाब होने के लिए आपको एक ख्वाब चाहिए, एक ड्रीम चाहिए, एक गोल चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैंने बनना किया है, मैंने करना किया है उसका। मैं एक आम क्वेश्चन करता हूँ अपने ट्रेनिंग्स में, मैं कहता हूँ कि इमेजिन करो कि आपको एक अलादीन का चिराग मिला है, राइट? यू हैव अ मैजिक लैम्प और उसके अंदर से जिनी एक एक, एक जिन बाहर आता है और आपसे कहता है कि पता हो आका मैं तुम्हारे एक ख्वाब पूरा कर सकता हूँ, एक ख्वाब। सबसे पहले ख्वाब तुम्हारा क्या होगा? सबसे पहले मैं बताऊं आपको, आप बताएं फातिमा, आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या होगा अगर आपके पास एक जन है अभी इसी वक्त आपको वो चीज दे सकते हैं? अच्छा, मैं चाहूंगी कि मेरी एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ हो और मैं अपनी जिंदगी में हर वो चीज उस सक्सेस के जरिए से अचीव कर सकूं। कि अगर आपके पास पैसा है, आपके पास खुशियां हैं, आपके पास जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि आप सक्सेस के बाद Yes, आपकी सही सोच है। मेजोरिटी लोगों से मैं पूछता हूँ आपको क्या चाहिए, उनको पता नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। वो कहते हैं बस यार थोड़े बहुत पैसे हो, बस गुजारा लायक हो, थोड़ी सी सेविंग्स हो, या मुझे कोई 10 लाख रुपए चाहिए, या मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, या मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए। बहुत ज्यादा पैसे के साथ मसला क्या है? अगर आपको जीनी पैसे दे देता है, आपने तो पैसे कमाना सीखा ही नहीं है, ना हमारे एजुकेशन सिस्टम अर्निंग का तरीका सिखाता है, ना हमें मनी मैनेजमेंट का तरीका सिखाता है। मैं बताता हूँ, अभी आपका अगर लॉटरी निकला है, अगर वो जिन आपको 10 करोड़ रुपए दे, मैं 2 साल बाद आपसे मिलता हूँ, आपने वो सारा 10 करोड़ रुपए उड़ा दिया होगा। उसका रीजन ये है कि हमने वो स्किल्स बिल्ड नहीं किया होगा। मेरी नजर में सक्सेस इज ऑल अबाउट सेल्फ डिवेलपमेंट। आपने पैसे के पीछे नहीं जाना होता, आपने आपको पैसे का मैग्नेट बनाना होता। अब आजकल क्या है, दुनिया में रिसेशन चल रहा है, कोरोना वायरस है, स्टील मिल्स ने कल 8,000 एम्प्लॉइज को फायर किया, पाकिस्तान स्टील 8,000 एम्प्लॉइज को फायर किया। 8,000 एम्प्लॉइज मींस अगर एवरेज भी लगा ले, कोई 4 लोग उनके फैमिलीज में होंगे तो कोई 32,000 लोग इफेक्ट हुए। 32,000 लोग अब भूखे सो रहे हैं इसलिए कि सबके ख्वाब ये है कि बस मुझे जॉब मिलेगी। हमारे ख्वाब बहुत ऊंचे होंगे। We need to think in ourselves कि मैं किस तरह बनना चाहता हूँ, मैं कौन बनना चाहता हूँ। ये पहला सवाल, मैं कौन बनना चाहता हूँ, what is the ultimate version of myself that I want to become? वो मैंने सोच लिया कि यार ये मुझे लाइफ स्टाइल चाहिए, ये मुझे घर चाहिए, ये मुझे काम करना चाहिए, ये भी मैंने सोच लिया था। नंबर 2, आपको उसके लिए प्लान चाहिए और इमोशनल नहीं, रैशनल प्लान चाहिए। कामयाबी में इमोशंस नहीं आते। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, फ्रस्ट्रेट हो, ओह माय गॉड यार भी इसका कोई फायदा नहीं है, उसका फायदा नहीं है, हालात खराब है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक दूसरे के साथ बहुत इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मेरे दोस्त जैसे होंगे मैं वैसा ही बनूंगा। अगर मेरे दोस्त सारे छोटे ख्वाब वाले लोग हैं, अगर मेरे दोस्त सारे
कंप्लेन करने वाले लोग हैं। मेरे सारे दोस्त हर बार बैठ के ये सोचते यार दुनिया में क्या मसले हैं, कोई सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाता, देन मैं भी ऐसे ही बनूंगा। तो एक चीज जो मैंने सीखी वो ये थी कि हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग दैट आई हैव, एक तो प्लान जरूरी है नंबर 2। इस प्लान के साथ साथ हमें ये सोचना होता है कि जो लाइफ स्टाइल हमें चाहिए 99.99% ऑफ लोगों को समझ में नहीं आती। मेजोरिटी 99% जो लोग हैं वो आम जिंदगी गुजारना चाहते हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक ब्लूप्रिंट में वो है, उनकी पेरेंट्स आम जिंदगी गुजारे, बिल्स पे करके मर गए, बच्चे पैदा किया और उन्होंने अपने बच्चों को यही मॉडल किया, यही सिखाया कि बेटा तुम जो है पढ़ो, जॉब करो, बच्चे शादी करो, बच्चे पैदा करो, बिल्स पे करो, मर जाओ। मैंने इस साइकिल में नहीं रहना था। मैंने डिसाइड किया कि ठीक है मैं इन 99% लोगों के साथ नहीं होना चाहिए, मैं चाहता हूँ एक ऐसी लाइफ जो मेरी हो क्योंकि अल्टीमेटली माई लाइफ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अक्सर कसूरवार ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा इमोशनल स्टेट खराब है, मैं डिप्रेस्ड हूँ, या मैं डिप्रेस हूँ इसलिए कि मेरा वालिद ने सारी उम्र मेरे सर पर मुझे डांटा है, मैं डिप्रेस हूँ इसलिए कि यार मैं मेरे मेरी जो मुल्क है ना उस मेरे जो शहर है ना उसमें कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैं भी डिप्रेस था इसीलिए कि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, मैं गरीब खानदान से था, लाहौर उसमें क्वेटा में अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, मैं भी डिप्रेस था। लेकिन कब तक मैं लोगों को कसूरवार ठहराऊँ अपनी लाइफ के लिए? अल्टीमेटली आई हैव टू टेक डिसीजन कि भाई मेरी लाइफ है, मैं मरूं, मैं कामयाब हो जाऊं, मेरी जिंदगी है। सो आई टुक दिस डिसीजन इन 2014 कि मेरी मुझे ये लाइफ चाहिए, चाहे किसी के समझ में आए या ना आए, जो कि अक्सर लोगों की नहीं आती, ना सिर्फ नहीं आती बल्कि आपको खींचने की भी कोशिश करते हैं। मैं टीचर जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था जब मैं 2015 में लाहौर शिफ्ट हुआ, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था मैं नहीं बताऊंगा मेल या फीमेल टीचर, ओके, जब एमएस कर रहा था मैं मेल जेंडर यूज कर रहा हूँ लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मेल या फीमेल टीचर हो। सो मैं जब जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा था 2015 जैसे ही मैं आया हूँ ना, क्योंकि प्लान के साथ आया हुआ था, तो मैं फॉरन कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में छोटे छोटे ट्रेनिंग्स कर रहा होता था पर डे। मुझे याद है मैं 20,000 रुपये पर डे ट्रेनिंग्स कर रहा था। 20,000 रुपये इज लाइक मजाक, राइट? तो 15 में, और मैं साथ में अपना एक छोटा सा क्लिनिक रन करता था, अगेन एक और मजाक, 2,000 रुपये में लेता था, चार्ज करता था। तो ये करना होता है, यू हैव टू गो चीप ताकि लोगों को ना आपकी स्किल्स का समझ आए, उसके बाद फिर लोग रेफर। अभी 75% जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो रेफरल्स से आते हैं लोग। अच्छा हस्बैंड आया मेरे पास, उसने फिर आपने वाइफ को भेजा, उसने आपने फिर बच्चों को भेजा, फिर आपने ताया चाचा मामा आपने कॉलेज को सबको भेजना शुरू करते हैं। सो दिस इज हाउ आई गेट माई मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स। अच्छा 15 में मैं एमएस कर रहा था जिसी यूनिवर्सिटी से, फिर टीवी अपीयरेंसेज भी हो रही थी लाहौर की, अच्छी बात है। मैं मुझे याद है 15 में फर्स्ट टाइम जब मैं पीटीवी जुगन कजन के साथ आया था फर्स्ट टाइम, उसके बाद 3-4 दफा और भी अपीयरेंसेज हुए। फिर दिन न्यूज पे मेरी एक रेगुलर, एक दौर में रेगुलर एवरी वीक अपीयरेंसेज होती थी। GNN पे मेरी अपीयरेंसेज हुई, दुनिया में मेरी अपीयरेंसेज हुई, मैंने टॉक्स किए। वो अभी स्टॉप किए, वो इसलिए कि वो वैल्यू एडिशन उसकी नहीं है, जो ऑडियंस मैं चाहता हूँ वो चैनल देखते ही नहीं है, वो यूट्यूबर्स है, इसीलिए मैं यूट्यूब पर हूँ इस वक्त। तो 15 में जब मैं टीवी अपीयरेंसेज हो रही थी ना, मेरा टीचर क्लास में खड़ा होकर कहता है, अगेन मेल या फीमेल, मैं सिर्फ मेल जेंडर यूज कर रहा हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। ओके ओके। टीचर मेरे खड़े होकर कहते हैं कि यार इब्राहिम तुम में कौन सी खास बात है कि तुम टीवी में आते हो? मैंने कहा सर मुझे नहीं पता, सर मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जस्ट पता नहीं सर या मिस है। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता मैं क्यों आता हूँ, बस लोग बुलाते हैं मैं जाता हूँ। कहते यार तुम्हारे जाने से क्या है, तुमसे अच्छी तो ये लड़कियां हैं जो फर्स्ट पोजिशन भी लेती हैं यार, इनको जाना चाहिए। तो आपके टीचर्स, हमारा जो कल्चर है वो सपोर्टिंग कल्चर नहीं है, हमारे जो लोग हैं वो सपोर्ट नहीं, उसकी वजह है लोग खुद डेस्परेट है, लोगों के अपने ख्वाब पूरे नहीं हुए। आई एम श्योर जो मेरा टीचर मेल या फीमेल वो बहुत कुछ करना चाहता था अपनी लाइफ से,
लेकिन क्योंकि वो उसी साइकिल में पढ़ा, उसने कहा कि अच्छा अम्मा अबा ने कहा कि पढ़ाई करो, अच्छा ठीक है, अच्छा PhD करो, अच्छा कर लिया, अब शादी करो, अच्छा कर लिया, अब बच्चे करो, अच्छा कर लिया। उसके अभी 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों के खर्चे हैं जी। खर्चे मीन्स कि वो पैसे जो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने पैंपर्स खरीदने, और वो भी आपके अर्ली लाइफ में। तो क्योंकि लोगों के अपने जो ख्वाब है वो पूरे नहीं होते हैं, वो अपनी डेस्परेशन प्रोजेक्ट करते हैं आपके ऊपर। तो अगर किसी दोस्त को जो आपके ऑडियंस में वो देख रहे हैं और उनको लगता है कि मुझे कोई नहीं समझ रहा, दैट्स वेरी ट्रू, कोई आपको नहीं समझ सकता, आपके ख्वाबों को कोई नहीं समझ सकता, बट क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है आपके ख्वाबों को समझना। मेरे ख्वाब को समझना, उनको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो नंबर 1, इंसान को चाहिए कि वो अपने गोल्स रखें और बड़े बड़े ख्वाब रखें। वो कहते हैं एक मेरे स्कूल के बाहर दीवार पे एक लिखा होता था, वो मुझे अभी रियलाइज हुई है उसके क्या मतलब। कहते हैं शूट फॉर द मून इफ यू मिस योर अमंग द स्टार्स। जब मैं क्वेटा में था, मेरा जो सबसे बड़ा ख्वाब था वो ये था कि मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ना लेक्चरर लग जाऊँ, और मैंने अप्लाई भी किया और मैं सेलेक्ट भी हुआ। लेकिन जब तक मेरी सिलेक्शन हुई, मैं यहाँ पे इतना एस्टैब्लिश हुआ था कि मैंने कहा नहीं जी मेहरबानी, मैंने नहीं आना। हमारे जो VC है उसने कहा कि इब्राहिम तुम सिर्फ आ जाओ, तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम जैसे ही आओगे क्वेटा तुम्हारी सिलेक्शन है, तुम लेक्चर लेना शुरू करो। मैं कहा नहीं जी सर, बहुत मेहरबानी। और लेक्चरर की कितनी सैलरी? 70,000 सैलरी। इस वक्त मैं DHA में एक कैनाल के घर में रहता हूँ, उसकी कितनी सिर्फ रेंट है मंथली? 70,000 सिर्फ इसकी रेंट है। तो अगर आप खुद छोटे हैं, आपके ख्वाब भी छोटे हो। अपने आप को बढ़ाने के लिए इफ यू वॉन्ट टू यू नीड टू ग्रो योर सेल्फ, इफ यू वॉन्ट टू ग्रो योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को बनाना होता है। पहले सोचना है कि मैंने बनना क्या, उसके बाद प्लान करना है कि मैंने किस तरीके से वहां तक पहुंचना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, हमें चाहिए कि डिप्रेशन के साथ, एंग्जाइटी के साथ, ट्रामास के साथ, लोनलीनेस के साथ, इनके साथ हम दोस्ती बनाए, रिजेक्शन के साथ हम दोस्ती बनाए। आज भी मैं कॉरपोरेट जब HR के पास जाता हूँ, बहुत सारे लोग 9 out of 10 लोग बिजनेस नहीं देते हैं, और जो एक जो बिजनेस देते हैं वो जाके 3-4 महीने बाद बिजनेस देते हैं। तो कंसिस्टेंसी, थर्ड कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान को कहीं पहुंचने के लिए प्लान के साथ साथ उस प्लान के पीछे पढ़ना चाहिए। इलन मास्क का मैं देख रहा था, उसने लोगों ने उससे पूछा जब आपके 3 rocket लॉन्च जब फेल हुए, ब्लास्ट हुए, तो यू नेवर थॉट अबाउट गिविंग अप? ही सेड नो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, मैंने सोचा एक ही जिंदगी है, जितने पैसे लगा लेंगे जब खत्म हो गया बस क्या होगा, भूखा रह जाऊंगा ना, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। ये स्पेशली तब हो सकता है जब आप सिंगल हो। इसीलिए यंग लोगों को ये सुनना जरूरी है, अभी आपकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, तो जितना रिस्क उठा सकते हैं उठाएं, जितना पीछे पड़ सकते हैं अपने ख्वाबों की वो पीछे पड़े। मैं कहता हूँ अपने ख्वाबों के लिए कुत्ता बने। मेरा डॉगी है ना, वो जब एक रस्सा पकड़ लेता है, मैं खींचता हूँ वो खींचता है, मैं खींचता हूँ वो खींचता है, और वो कभी छोड़ता नहीं उस रस्सा को जब तक मेरा हाथ नहीं थकता और मैं छोड़ नहीं देता। मैं कहता अपने ख्वाबों के लिए इंसान को कुत्ता बनना चाहिए। तो थर्ड थिंग ये है ना कि आपको कंसिस्टेंट रहना चाहिए। मोस्ट पीपल वॉन्ट अंडरस्टैंड योर ड्रीम्स एंड दैट्स हाउ इट इज, दैट्स द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। मुझे नहीं पता हमारी मोटिवेशनल कैसे हो गई बात आज, बस मैं शायद बहुत इंस्पायर था। नहीं, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों के लिए भी इतना ही ज्यादा मोटिवेशनल और इतना ही वो इससे सीख सकें। अच्छा डॉक्टर इब्राहिम, मैं चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैंने जो आपकी प्रोफाइल देखी है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा है, उसमें काफी डाइवर्सिटी है। सबसे पहले मैं ये चाहूंगी कि आप ये बताएं कि आपकी साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन किस फर्दर सब फील्ड में है। यस, आप अगर इन सारी डाइवर्सिटीज को देखें, उनमें रूट एक चीज है। लेट मी से, मैं आपका अपना प्रोफाइल बताता हूँ। अच्छा जी, USA हिप्नोथेरेपिस्ट, मैंने नेशनल गिल्ड ऑफ हिप्नोटिस्ट का मैंने सर्टिफिकेशन किया हिप्नोथेरेपी में। हिप्नोथेरेपी साइकोथेरेपी की एक फॉर्म है जिसमें लाश और दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के साथ ट्रीटमेंट होती है।
हमारी इमोशंस, हमारी जो थॉट्स है, ज्यादातर हमारे लाशऊर दिमाग में होते हैं, हमारी अवेयरनेस में हमारी बिहेवियर्स नहीं होती, राइट? फॉर एग्जांपल, मुझे तो पता है कि मैंने ये ब्लैक टी शर्ट क्यों चूज किया, लेकिन आपका जो ड्रेस है, आई एम सॉरी, आई वांट टू से पर्पल, बंदों को तो सिर्फ पर्पल ही नजर आता है, आप कहेंगे पता नहीं ऐश ब्लू, पता नहीं इस तरह कलर, मुझे तो पर्पल है, बट मोस्ट पीपल डोंट नो व्हाई दे डू व्हाट दे डू, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि वो क्यों कर रहे हैं जो करते हैं, तो अवेयरनेस में नहीं होती, वो लाशौर दिमाग में जो प्रोग्रामिंग होती है बचपन में, जेनेटिक्स में, उसी को रिप्ले करते जाते हैं। सो हिप्नोथेरेपिस्ट का काम होता है कि उस पैटर्न को लाशौर दिमाग में जाके चेंज करना। सेकंड, एनएलपी, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में मैं मास्टर प्रैक्टिशनर, वो भी थेरेपी की एक फॉर्म है, उसमें भी यही होता है, सबकॉन्शियस माइंड के साथ डीलिंग होती है, और लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें मॉडलिंग होता है, मॉडलिंग गुड बिहेवियर। मसलन, जो कामयाब इंसान सुबह 6 बजे उठता है, इसका मतलब है कि सुबह 6 बजे उठने में कोई काम तो है, तो हम अपने आप को प्रोग्राम करते हैं, कंडीशन करते हैं न्यू बिहेवियर्स के साथ एनएलपी के थ्रू, ठीक है? सो एनएलपी भी थेरेपी की एक फॉर्म। फिर मैं अपना क्लिनिक रन करता हूँ, हैप्पीनेस कोचिंग में करता हूँ। हैप्पीनेस कोचिंग क्या है, हम देखते हैं कि इंसान के मूड स्टेट्स ज़्यादातर सैड एंग्जाइटी है, अगर आप हैप्पी होना चाहते हैं, हैप्पी लाइफ गुजारना चाहते हैं, उसकी बेसिक साइंस है। मसलन, हैप्पी पीपल हैव गुड रिलेशनशिप्स, गुड क्वालिटी रिलेशनशिप्स। मैं गारंटी से कहता हूँ, आप अगर जितना भी इंट्रोवर्ट हो, अगर आप अकेले लाइफ गुजारते हैं, यानी कि अगर आप डिपेंडेंट है सिर्फ अपने लिए, और आपको पता है कि कल मैं हॉस्पिटल पहुंचूंगा तो मुझे पूछने कोई नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव नोबडी, यू विल बी सैड, यू विल बी डिप्रेस्ड। सो सोशल कनेक्शंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। फॉर एग्जांपल, अदर थिंग, फॉर एग्जांपल, ग्रैटिट्यूड इसकी साइंस है। अगर आप सुबह सुबह उठ के अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं फोकस करने के लिए कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ अच्छी चल रही है, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप सुबह उठते हैं और आप न्यूज लगाते हैं, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू करते हैं। आजकल ये सबसे मेन यही होता है, आप सुबह उठे, मुंह धोने से पहले आपने मोबाइल उठाया और आपने इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया। अच्छा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, उसमें आपने देखा मेरा दोस्त जो है उसने पता नहीं कौन सा ट्रॉफी लिया है, मेरा फलान दोस्त जो है ट्रैवल कर रहे हैं, कि उसने कौन सा मोटिवेशनल कोट लगाया। What happens is, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपना बेस्ट फेस फॉरवर्ड रखते हैं और हमें तो अपनी कमजोरियों का पता है, हम क्या करते हैं अनकॉन्शियसली उनकी बेस्ट फेस को अपने वर्स्ट फेस के साथ कंपेयर करते हैं। हम देखते हैं यार मैं तो इधर हूँ और उसकी पोस्ट से लगता है वो इधर है, और ये जो बीच में गैप है ना, ये हमें और डिप्रेस और एंग्जियस करता है। सोशल मीडिया इस वक्त हमें बहुत एंग्जाइटी में डाल रहा है। अच्छा, अगर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आप रिप्लेस करो इस बिहेवियर को, सुबह जैसे ही आप बेड से निकलो, आपके पास एक डायरी हो और पेन हो, और आप 3 ऐसी नई बातें लिखो जिसके लिए आप अल्लाह से शुक्रगुजार हैं, द थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, यू राइट अबाउट, फॉर एग्जांपल, अल्लाह का शुक्र है मेरी 2 आंखें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अंधे हैं इस दुनिया में, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी सांसें चल रही हैं, आजकल कोरोना वायरस की क्राइसिस है, मैं अभी तक बीमार नहीं हुआ। तीसरा, फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी तक सेहतमंद हूँ, राइट? मेरा वेट थोड़ा सा ज्यादा है तो वेरी गुड चांसेस कि मैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स वो कर सकता हूँ, अभी तक सेहतमंद हूँ, राइट? अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये घर है, राइट? सो अगर आप अपने आप को प्रोग्राम करते हैं अपने माइंड को उस तरह, देन आप जब पूरे दिन गुजार रहे होंगे ना, आपका माइंड जो है वो फोकस करेगा सिर्फ अच्छी चीजों। व्हेन यू फोकस ऑन पॉजिटिव्स, यू विल हैव मोर पॉजिटिव्स। मेरा गुरु कहता है वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जिस चीज पे हम फोकस करते हैं वो हमारी लाइफ में बढ़ जाता है। अगर आप फोकस करते हैं कि लाइफ में क्या डेफिशिएंसीज है, क्या लैक है, क्या कमी है, तो वो कमियां बढ़ जाएंगे। अगर आप फोकस करते हैं कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं, तो वो होना बढ़ जाएगा। अच्छा, हैप्पीनेस हो गया और हिप्नोथेरेपी हो गया, एनएलपी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, साइकोलॉजी हो गया, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स होगी। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में हम क्या करते हैं, लोगों के पास जाके उनकी पर्सनल स्किल्स को डेवलप करते हैं। मसलन, एचआर वाले कहते हैं यार ये जो हमारी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये ट्रस्ट और कम्युनिकेशन इंसानी बिहेवियर है ना,
अगर आप नोटिस करें इन सारी चीजों पे इंसानी सोच इंसानी बिहेवियर इन्वॉल्व है. एंड व्हाट इज दैट वन साइंस दैट टीचेस ह्यूमन बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स? साइकोलॉजी. सो इन सब के रूट में साइकोलॉजी. तो आपकी बेसिकली साइकोलॉजी इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल में है या क्लिनिकल में है? अच्छा, मैंने जो मास्टर्स किया क्वेटा के अंदर सिर्फ अप्लाइड होती है, लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टेड था क्लिनिकल प्रैक्टिस में, इसीलिए मैंने क्लिनिकल काउंसलिंग की बुक्स भी पढ़ी. और जब मैंने प्रैक्टिस किया एसओएच चिनन विलेज में और बेनाजिर विमेन्स शेल्टर में, तो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस किया क्वेटा के अंदर. तो जब क्लिनिकल का बहुत ज्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो गया. अच्छा, होता क्या है, एक तो आपकी लाइफ बुरी, ऊपर से आप दिन रात क्लाइंट्स देख रहे हैं, तो यू आर एक्सपोज टू ऑल दैट नेगेटिविटी. मैंने कहा तोबा हो गया, क्लिनिकल मैंने नहीं पढ़ना, मैं लाहौर जाऊंगा तो मैं क्लिनिकल से दूर भागूंगा. क्या पढ़ सकते हैं, और दो रास्ते हैं पाकिस्तान में साइकोलॉजी, या तो क्लिनिकल है या तो अप्लाइड है. अच्छा, अप्लाइड में क्या पढ़ना है? उस वक्त तक मैं एचआर में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गया था. मैंने कहा अच्छा, एचआर से रिलेटेड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में एमएस किया. अच्छा, एमएस करने के बाद ऑफकोर्स पैसे भी कमाने हैं, राइट, घर चलाना है. तो उसको लेके, क्लिनिकल स्किल्स को लेके आपने क्लिनिक भी स्टार्ट किया, आपने ट्रेनिंग भी स्टार्ट किया. सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ. अच्छा, बिल्कुल ठीक. अच्छा, मैं पर्सनली खुद सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे समझती हूँ और ऐसे इस चीज़ को परसीव करती हूँ कि आप जब हिप्नोथेरेपी को प्रैक्टिस करते हैं और स्पेशली जब आप क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी कर रहे हैं, तो आपके पास क्लिनिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और मैंने आपके कुछ वीडियोज़ में देखा जिसमें आपके रिव्यूज़ थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे रिव्यूज़ थे लोगों के, लेकिन उसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि एक न्यूट्रिशनलिस्ट है जो कि आपसे हिप्नोथेरेपी सीख रहे हैं, मतलब इस तरह डिफरेंट फील्ड्स के लोग हैं. तो आपको नहीं लगता कि क्लिनिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी है अगर बिलफर्ज वो किसी के ऊपर जाकर हिप्नोथेरेपी अप्लाई करते हैं? आप भी इस चीज़ को समझते हैं, मैं भी समझती हूँ कि आपके पूरे सबकॉन्शियस को हिला के रख देती है हिप्नोथेरेपी. तो आप जब किसी के बेस रूट पे जा रहे हैं और उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उसके लिए वो लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, अगर उसके दौरान में अगर एक इंसान पैनिक हो जाए या कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जो कि कंट्रोल करने के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है और उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, तो आप वहाँ पर इन लोगों को, मतलब आप अपनी ट्रेनिंग में उन लोगों को ये गाइड करते हैं कि आप इसको क्लिनिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकते, और आप पर्सनली इस चीज़ को कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि आप क्लिनिक भी कर रहे हैं पर्सनली खुद, तो आप इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि देखें, आप चाहे आपने बुक्स पढ़ी हैं, आपका बहुत नॉलेज होगा, वर्सेटाइल, आपका बैकग्राउंड भी बहुत डाइवर्सिफाइड है, लेकिन फिर भी आपके पास एक डिग्री होल्डर होना, स्पेशली इस पाकिस्तान में रहते हुए, ये बहुत ज़रूरी है. तो जब आप हिप्नोथेरेपी को प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक ऐसा केस सिनेरियो बन जाता है जो कि एक वर्स्ट सिनेरियो है और वहाँ पर एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी है, तो आप उस सिचुएशन में कैसे टैकल करते हैं, या तो फिर आप ऐसे पेशेंट्स को या ऐसे क्लाइंट्स को अवॉइड करते हैं? अच्छा, शुरू आंसर करने से पहले मैं एक चीज़ मेंशन करूँ. मैं खुद और मैं जिन स्टूडेंट्स को हिप्नोथेरेपी सिखाता हूँ, एनएलपी सिखाता हूँ, हम पहले से डिसाइड करते हैं जो सीवियर डिसऑर्डर्स है उनको हम रिफर आउट करते हैं टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. ठीक है, हम मॉडरेट और नॉर्मल पॉपुलेशन पे ज्यादा काम करते हैं. नाउ लेट मी कम टू योर आंसर. आपको पता है दुनिया में कामयाबी का, मेरे कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ फातिमा, कि मेरे अच्छा, मेरे कामयाब होने का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? मेरा ख्याल है कि इंसान खुद, मैं खुद. हमने सिखाया गया है कि यू हैव टू हैव ए डिग्री. अगर आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो तो आप हिप्नोथेरेपी नहीं कर सकते हो. आप मुझे ये बताएं कि जो हिप्नोथेरेपी का फाउंडर था मिल्टन एरिक्सन, वो साइकोलॉजिस्ट था क्या? नो, एमबीबीएस था, राइट, मेडिकल डॉक्टर था. एनएलपी का जो फाउंडर था वो साइकोलॉजिस्ट था क्या? रिचर्ड बैंडलर साइकोलॉजिस्ट, वो भी नहीं था, राइट. एक चीज पाकिस्तानियों को समझना बहुत जरूरी है, हमें ये जो ट्रेडिशनल रोल्स है ना, जो हमें सिखाई जाती है बचपन से लेके आज तक, और ये जो कुछ लोगों ने हाईजैक किया होता है ना कुछ डिसिप्लिन को,
आपको पता है मैंने हिप्नोथेरेपी के ट्रेनिंग देना कब शुरू किया? हिप्नोथेरेपी में प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे लाइफ बहुत जबरदस्त चल रही थी। मैंने ट्रेन करना तब स्टार्ट किया लोगों को जब मैंने देखा कि कुछ लोगों ने थेरेपी की फील्ड को हाईजैक किया हुआ है। कुछ लोगों से मेरा मुराद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, लिटरली हाईजैक किया हुआ है। अच्छा, अगर आपने एक्स वाई जी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा, अगर आपने एक्स वाई जी डिग्री नहीं लिया, तो आप किसी काम के नहीं हो, नहीं हो। पूरी दुनिया में अल्टरनेटिव मेडिसिन चल रही हैं। लोग योगा करके हीलिंग करते हैं, लोग रेकी करके हीलिंग करते हैं, एनर्जी की गोंग करके हीलिंग करते हैं, लोग सिंपल प्लेन काउंसलिंग करके हीलिंग करते हैं। पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम हाईजैक होने देते हैं अपनी जिंदगी को, एक डिसिप्लिन को, और फिर हम उनकी प्रोग्रामिंग में आते हैं। उसकी वजह यह है ना कि मुझे तो सिखाया गया कि जब तक आपने सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आपने नहीं किया है डिग्री, तो आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो। ओके, तो मैं बस आपने पूरी जिंदगी में पैसे लगाऊंगा, टाइम लगाऊंगा, खबारी करूंगा, और फिर ये जो जिस तरीके से ये लोग बिहेव करते हैं ना बच्चों के साथ, बच्चा ट्रामेटाइज होके निकलते हैं, रो रो डेली। सेंटर का कोई भी ऐसी बच्ची नहीं है जो एक दो दफा फेंट ना हो अपने प्रेशर्स के नीचे आके। ऑफ कोर्स अगर मैं उस सिस्टम से रगड़ के निकलूंगा तो कोई और आके बोलेगा कि यार ऐसे नहीं होता, यू डोंट हैव टू सफर। मुझे तो उसकी बात पे यकीन नहीं होगा, मैं कहूंगा हाउ इज इट पॉसिबल। वही बात, लेकिन क्योंकि आप खुद मैं तो पर्सनली जेसीयू के ग्रेजुएट हैं, हाँ आप पर्सनली खुद तो जेसीयू के ग्रेजुएट हैं, तो जेसीयू का तो एक अच्छा इन्वायरमेंट है उसके बारे में तो अच्छा, क्योंकि मैं पर्सनली खुद तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लाहौर स्कूल ऑफ LSPS से पढ़ रही हूँ, तो लेकिन जेसीयू के स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा एक फीडबैक देते हैं कि हमारे साथ इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, तो हम एक CCP को रख के मेरा ख्याल है कि पूरा एक स्टिग्मेटाइज नहीं कर सकते, एक टैबू नहीं कर सकते कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के बच्चे रगड़ा खा के पहले ही बाहर निकलते हैं। पहले किसने किया स्टिग्मेटाइज, पहले किसने किया? आपने कहा नहीं कि अभी जब तक हम नहीं आप है तब तक कर सकते हैं, राइट? तो जी मेरा काम यही है लोगों को अल्टरनेटिव रास्ता दिखाना अपनी लाइफ गुजारने के लिए। पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं, अगर लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये हो सकता है, तो मैं अपने आप को क्यों रोकूं? इसलिए कि मेरे बिल्कुल कहते हैं ये गलत है ये सही है, मेरे घर वालों को नहीं पता क्या गलत। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी कैंडिड राइट नाउ। हमारे पेरेंट्स को नहीं पता सही गलत क्या है, क्योंकि हर जनरेशन की चैलेंजेस, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है। तो हमारे पेरेंट्स को जितना आता था वो उनकी लाइफ, उनकी टाइम, जिटगाइस्ट कहते हैं उसको, उनकी उनकी एरिया के, उनकी एरा के लिए काफी था। हमारे चैलेंजेस क्या है वो हमें नहीं पता। अब जो मिलेनियल्स हैं, जो टीनेजर्स में, उनकी क्या चैलेंजेस वो हमें नहीं पता। और जो उनके बाद जो जो क्लाइमेट की जो चैलेंजेस आने वाले ना, वो हमें नहीं समझ में आनी। सो इट्स बिल्कुल नॉट अबाउट कि क्या सही है क्या गलत है, सवाल ये कि मैं कितना फ्लेक्सिबल हूँ, आपने साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी मेरे अंदर कितनी है कि मैं अडाप्ट करूं चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ। एक चीज जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म में, वो ये है कि किसी को आपके लाइफ के बारे में बोलने का कोई हक नहीं, क्योंकि आपकी लाइफ आपकी है, कॉन्सिक्वेंसेस आपने सफर करना है। टेक द डिसीजन टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा एक थीम होता है हर टॉक का, हर थेरेपी का। एक बुक भी मैं उस पे कंपोज कर रहा हूँ, इट्स कॉल्ड डेस्टिनी बाय डिजाइन। लाइफ गुजारने का मेरी नजर में दो तरीके हैं, या तो पैसिव ऑब्जर्वर बनना कि जो हो रहा है मैं उसके साथ ही चलते जाऊं, और इट फील्स गुड, लेट मी बी ऑनेस्ट, लिविंग इन द मोमेंट फील्स वेरी गुड। जो हो रहा है कोई बात नहीं यार, अल्लाह दे देगा, कोई बात नहीं यार, हो जाएगा, कोई बात नहीं यार। एक तो ये तरीका है, आपको खुशी मिलेगी टेम्प्रेरी, कल को जब मसले आएंगे ना सर पे खड़े होंगे, पर आपको या अल्लाह किधर है, तुमने तो कहा था मैं दे दूंगा। सबसे ज्यादा रोते भी वही हैं। इस दुनिया में जिस जिसने किया कुछ, आपने लाइफ में अचीव किया, उसने आपने लाइफ अपने मर्जी का, अपने हाथ में एक्टिवली प्रोएक्टिवली आपने मर्जी का लाइफ गुजारा। मेरा एक मैसेज है वो ये है, आपकी लाइफ आपकी है,
कल को आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते हैं कि अच्छा मेरे पास हालात नहीं थे, बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। आपकी लाइफ है, अगर आप उस जगह पे नहीं है जहां आप होना चाहती हैं, इसमें आपका कसूर है और आप जिम्मेदार है और कोई नहीं। तो टेक बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक चेंजेस, 3 स्टेप्स। 1, आपने ड्रीम्स, ख्वाब को बड़े ऊंचे रखें, इतने ऊंचे कि लोगों लोग कहें यार पागल हो गया। इलन मस्क ने कहा था कि मैं कमर्शियल फ्लाइट करूंगा ना स्पेस में, सबसे ज्यादा उसके दोस्तों दोस्त उस पे हंसे हैं। पिछले वीक फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा ऊपर। हाँ, एक वो लोग हैं जो कहते हैं इन ख्वाब, और एक हमारे लोग हैं जो अभी तक इस डिबेट में, मैंने पिछले दिनों फेसबुक में पोस्ट शेयर किया था किसी आलम का, जिसने कहा था कि अर्थ जो है स्टैटिक है। अच्छा, अर्थ स्टैटिक है और उसके आसपास जो है बाकी प्लैनेट्स और बाकी जो सन और मून घूम रही है। लोगों ने इतना मुझे बुरा भला कहा। एक वो लोग हैं जो कमर्शियल फ्लाइट कर रहे हैं, और एक हमारे लोग हैं जो अभी तक डिबेट कर रहे हैं सुन्नी सही है शिया सही है, अर्थ फ्लैट है या राउंड है। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा ही। गुड रैशनल प्लानिंग एंड देन कंसिस्टेंसी, गेट कंफर्टेबल विद अनकंफर्टेबल, दैट्स इट। बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, स्पेशली एक सेल्फ मेड बंदे को डिफाइन करने के लिए ये सब एलिमेंट्स होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि आप एक बात जो कि लोगों को अभी तक, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सेशन होगा, एक सवाल जो कि बहुत ज्यादा आता भी है हमारे पास कि आजकल के दौर में जो इतनी सारी नेगेटिविटी है हर तरफ, उसको कैसे ओवरकम किया जाए? हाँ, इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, बहुत बड़ा मसला है नेगेटिविटी का। और सिर्फ आज की नहीं, आज आजकल तो कोरोना वायरस है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट मी गिव यू लाइव। मैं अपना इतना सेल्फ अवेयर होने के बाद पिछले 1-2 वीक से ना मैं यूएसए न्यूज को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा अगर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम आप फीड देखेंगे तो इट्स फुल ऑफ पुलिस बीटिंग द ब्लैक्स, और वो आपने सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं कंटिन्यूसली ये अपने माइंड को फीड कर रहा हूँ। 3-4 दिन बाद आज मैं घर से निकला, मैं ज्यादा घर से नहीं निकलता, मुझे जरूरत नहीं पड़ती। क्लाइंट्स यहाँ मेरे इसी ऑफिस में आते हैं, और मेरी जो कोर्सेज हैं अभी जो हिप्नोथेरेपी की, मेरा 3 मंथ्स का कोर्स लॉन्च हुआ है, स्टार्ट हुआ है, वो ऑनलाइन है। 3 मंथ्स की हिप्नोथेरेपी के कोर्स है, आपको भी मैं एडवाइस करूंगा ताकि आप अपनी माइंड को जरूर ओपन करें। पहले मैं आपको बताऊंगा कि जरूरत नहीं है साइकोलॉजिस्ट होने का। इनफैक्ट रिचर्ड बैंडलर से आप पूछे, एनएलपी का फाउंडर से, तो वो कहते हैं कि मैं सबको सिखाऊंगा, साइकोलॉजिस्ट को नहीं सिखाऊंगा एनएलपी लेकिन सर साइकोलॉजी। मैं यहाँ पर ऐसा समझती हूँ कि जो मैंने आपको केस सिनेरियो दिया वो वाकई एक बहुत इम्पोर्टेंट, अब देखिए अगर आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि वर्स्ट जो केस सिनेरियोज हैं हमें उनमें नहीं जाना या उन पेशेंट्स के साथ डील नहीं करना, आपको, आप तो खुद भी इस चीज़ को समझते हैं कि जब आप बिल्कुल अपने ट्रोमेटिक इवेंट को आप जाके हिट कर रहे हैं और अगर उस जगह पर आकर अगर एक इंसान पैनिक हो जाता है या उसकी कंडीशन बिल्कुल वर्स्ट हो ओके, जाती है, तो एक न्यूट्रिशनिस्ट तो उस चीज को टैकल नहीं कर सकता ना। तो मेरा एक्चुअली आपसे क्वेश्चन ये था कि उस पॉइंट पर न्यूट्रिशनिस्ट आके नहीं आप कर क्या सकता, न्यूट्रिशनिस्ट नहीं कर सकता, हिप्नोथेरेपिस्ट तो कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग का यही तो मकसद होता है ना, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, पिम्स से, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेस से जो ग्रेजुएट करके जाते हैं, वो यही आप रिएक्शंस को डील करने का तरीका भी सीखते हैं। सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि कौन से क्लाइंट्स हमने नहीं लेना। हमने कोई 20% पॉपुलेशन क्लाइंट्स है जो नहीं लेना, जिनको या तो मेडिकेशन पे रखना है या तो इतना सीवियर कि वो सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही उसको हैंडल कर सकते हैं। बट 80% पॉपुलेशन नॉर्मल पॉपुलेशन है और मॉडरेट है। आपको इस वक्त कोई सीवियर डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन हो सकता है आपको रात को नींद ना आती हो सकता है आपको एजुकेट आपको पढ़ते हुए फोकस ना होता, हो सकता है सेल्फ एस्टीम, हम इनको डील करते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किससे सीख रहे हैं। अगर आप मेरी एडवाइस सुनती हैं तो आप मुझसे सीखें, उसको साइड पे रखते हैं। आपने जो सवाल किया था नेगेटिविटी का, उस पे आते हैं। तो मैं न्यूज देख रहा था, न्यूज इतना दिनों से मैं न्यूज देख रहा था, और कुछ 4-5 दिन बाद आज हम निकले बाहर कुछ घर के शॉपिंग करने,
यूं ही मैंने डीएचए से बाहर आके टर्न लिया ना, मैंने दो चार पुलिस वाला देखा, एकदम से मेरा हार्ट बीट तेज होना शुरू हो गया। मैंने कहा अभी आके हमें मारेगा। फिर मैंने रियलाइज किया, वेट अ सेकंड, ये अमेरिकन पुलिस था, ये पाकिस्तानी पुलिस। इस तरह होता है, आप अपने माइंड को जो फीड करते हैं ना कंटिन्यूसली, वही आपकी एक परसेप्शन बनती है। आप परसेप्शन को यूं समझे जैसे कि ग्लासेस है आपकी आंखों के सामने, जो दुनिया में चल रही है आपको नजर सिर्फ वही आना है जिस तरह की आपके ग्लासेस होगा। If you wear the glasses of positivity, तो you will see only positivity. If you wear the glasses of negativity, you will see only negativity. अच्छा, इस glasses को change करने का तरीका क्या है? Realize करना है कि जो चीज़ आप अपने mind को continuously feed करते हैं, वही आपकी perception बनती है। तो जब मेरा perception बना कि police खतरनाक है, वो किसी भी वक्त tear gas फेंक सकते हैं, मैंने जैसे ही पुलिस को वर्दी में देखा, मेरा हार्ट बीट तेज होना शुरू हो गया, अभी कुछ होना है, राइट? हमें कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन करना चाहिए ऐसे कि सिर्फ हमें उस तरह की सजेशंस दें जिस तरह की हमें चाहिए। डेस्टिनी बाय डिजाइन, डिजाइन योर डेस्टिनी ऐसे ही जैसे आप चाहते हैं। जब आप डिजाइन करते हो अपने माइंड को जैसे आप चाहते हैं, अपने सजेशंस, आप जब सुबह उठते हैं, लिख मैंने यहाँ पे पेंटिंग लगाई दिया, राइट? ये मेरी मदर ने पेंटिंग बनाई है, ये वाली जो मैंने लगाई है अपनी है, मेरी छोट मेरी सी है, मेरी है, क्या है ये, दिस इज माय पेंटिंग। तो जब मैं इस सीट पे बैठ के क्लाइंट के साथ डील कर रहा होता हूँ और मैं बहुत ज्यादा इमोशनल होता हूँ, नेगेटिव हो जाता हूँ, एकदम से मैं अपनी मदर का बनाया हुआ पेंटिंग देखता हूँ और मुझे याद आता है कि मेरी माँ कितना मुझसे प्यार करती है, और मैं अपना पेंटिंग देखता हूँ कि मैं देखता हूँ ओह माय गॉड, 3 वीक्स में मैंने पेंटिंग करना सीख लिया है, राइट? सडनली पॉजिटिविटी क्रिएट होगा, उस पॉजिटिविटी को फिर मैं आपके क्लाइंट को भी ऑफर कर सकता हूँ। अगर मैं नेगेटिव हूँ, मैं डिस्ट्रेस्ड हूँ, मैं सैड हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को, मैं अपने क्लाइंट्स को कैसे दे सकता हूँ? इट्स एन एनर्जी ना। जब मैं फुल ऑफ डार्कनेस हूँ तो मैं लाइट किसी को कैसे दे सकता हूँ? सो नेगेटिविटी के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? या तो आप बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं नेगेटिव लोगों के साथ, चाहे वो जो भी हो, आपके दोस्त, बहन भाई, आपके माँ बाप, अगर वो आपको नेगेटिव सजेशंस देते हैं, मसलन ये लड़कियों को नहीं पता लेकिन सबसे बड़ी जो दुश्मन है ना उनकी उनकी माँ है। सबसे पहले उनकी माँ, ओ बेटा खाना ना खाना, मोटी होगी रिश्ता नहीं आएगा, ओ बेटा मुंह धो के आई काली हो गई है, राइट? तो सबसे पहले हमने बाउंड्रीज क्रिएट करना है कॉन्शियसली उन सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस के साथ। बीच में जब कोई हमें नेगेटिव मैसेज कहता है, हम उनको वेरी मैच्योर एडल्ट्स की तरह कह सकते हैं कि देखें आपकी बात बिल्कुल सही हो सकता है, लेकिन आपकी इस बात को करने से मुझे नेगेटिव फील होता है, प्लीज आप यह बात ना करें। और अगर आप कंटिन्यूसली कहते हैं बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब में डाल दूंगा, इब्राहिम सियावश आप देख सकते हैं किसी टाइम। सो बाउंड्रीज अगर नहीं क्रिएट होते फिर बैरियर्स, आप कहें सॉरी मैं अपनी माइंड को आपके हाथ में नहीं दे सकता क्योंकि आप अच्छा नहीं संभाल रही मेरे हाथ को। ऐसे जैसे अगर आप आपका एक छोटी सी एक इन्फेंट बच्चा होता आपकी गोद में, तो क्या आप किसी नेगेटिव बंदे को देते हैं, कोई ऐसे शख्स को देते हैं जो आपको पता है उसको हर्ट करेगा साइकोलॉजिकली इमोशनली? नहीं देते। तो फिर अपने साथ तो या तो आप नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को स्टॉप करें, उनको एक्टिवली बाउंड्रीज लगाएं, या तो आप कहेंगे भाई जी अल्लाह हाफिज मेहरबानी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है। ओनली 0.1% लोग हैं जो दुनिया में हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, कम है लेकिन है। और एक दफा आप अपने आप को ऐसे बनाते हैं कि आप हैप्पी लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ गुजार सकते हैं, फिर आप अट्रैक्ट करते हैं इस तरह के एनवायरमेंट, इस तरह के लोग, क्योंकि नेगेटिव लोग फिल्टर हो जाएंगे ना, आप बाउंड्रीज लगा रहे हैं फिल्टर होते जाएंगे, तो कहेंगे यार ये तो पागल है, इसको समझ में नहीं आ रहा, राइट? आपके पास सिर्फ आसपास वही लोग आएंगे जिस तरह के आप खुद हो। सो द वर्ल्ड अराउंड यू इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हु यू आर इनसाइड ऑफ यू। सो इसीलिए चेंज जो है ना अंदर से आती है, मुझ से स्टार्ट होता है। बिल्कुल। और आज के दौर में भी नहीं, अगर आप पीछे भी किसी भी दौर में जाएं, लोगों के लिए ना कहना बहुत मुश्किल है।
लोग किसी को ना नहीं कह पाते, अवॉइड नहीं कर पाते। आपका पॉइंट ये बहुत वैलिड है, मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग इससे सीख सकें कि बाकी इस ना लफ्ज की सिर्फ नेगेटिविटी में नहीं, सिर्फ पॉजिटिविटी में भी बहुत ज्यादा अहमियत है। नो कहना तो हमें सिखाया नहीं जाता ना, स्पेशली बिल्कुल हमारे मिडिल ईस्टर्न फैमिली सारे इमेज्ड फैमिलीज है, सब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, राइट? मैं इमेज्ड फैमिली में रहा हूँ, मेरा पेरेंटिंग इमेज्ड फैमिलीज में हुई है, तो बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना इट्स इम्पॉसिबल, किसी ने सिखाया नहीं होता कि मेरी राइट्स है, मेरी वैल्यू है, मेरी इमोशंस है। हमने तो मैंने पाकिस्तान के अंदर मैरिड लोग जिनके बच्चे होते हैं, दे आर लाइक इन देयर 40s और वो गाड़ी लेना चाहते हैं, वो पूछते हैं यार सबसे पहले मैं अपने अबू से तो परमिशन लूं। यू आर ए ग्रोन एस मैन और आप अपने अबू से परमिशन लोगे? मैं शादी करना चाहता हूं, पहले मैं अपने अम्मी से तो परमिशन लूं। यू आर ए ग्रोन एस एडल्ट और आप परमिशन ले तो इज्जत से ले सकते हैं, बट दिस इज माई डिसीजन, माई लाइफ। अगर मेरी बीवी और मेरी अच्छी रिलेशनशिप नहीं है, मेरे अम्मा अबू की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यह हमें नहीं सिखाया जाता, यू कैन से नो। आप अपने बॉसेस को नो कह सकते हैं, दिस इज योर राइट। बॉस बहुत ज्यादा काम दे रहे हैं, सॉरी सर मैं बिजी हूँ दूसरे काम में, क्या होगा निकाल देंगे ना। हमें तो इसी चीज का डर है, हम अपनी लाइफ को विद अ पर्पस नहीं गुजारते हैं, हम अपनी लाइफ को फियर से गुजारते हैं। दो किस्म की लाइफ गुजारना है, या तो यू गो टुवर्ड समथिंग गोल, या तो यू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, राइट? फियर, ईगो, ओ कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पास पैसे ना हो, बिल देने के पैसे ना हो, इसीलिए मैं इस जॉब में अपने पूरी जिंदगी रिटायरमेंट गुजारू। बात बिल्कुल, एक मोरल वैल्यूज की हद तक अगर इखलाकियात को समझा जाए तो बाकी ये बहुत जरूरी है, तमीज और इज्जत के लेवल पर आकर कि आप परमिशन सीख करें। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जहां पर वो आपकी अपनी जात को डैमेज कर रही है वहां पर पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि इंसान अपने आप को पहला अहम इंसान समझे। बिल्कुल आपका पॉइंट यहाँ पर बहुत वैलिड है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे इस सेशन के जरिए से बहुत से लोगों की जिंदगियों में चेंज आ सकेगा, उनकी परसेप्शन में, उनके आइडियाज में, उनकी और बहुत सारी जिंदगियों के गुजारने के स्टाइल में। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर इब्राहिम, आपने अपने बहुत कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और लोगों को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। My pleasure, my pleasure. Anytime. थैंक यू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।